नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। भगवान परशुराम प्रकटोत्सव को लेकर महिला मंडल की बैठक संपन्न। हटा, आज सर्व ब्राह्मण समाज तहसील हटा की धर्मशाला में महिला मंडल की बैठक का आयोजन महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अंजना चौबे के निर्देशन में हुआ, जिसमें आगामी भगवान परशुराम महोत्सव की 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। परशुराम महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम की विधिवत सूची तैयार की गई। दिनांक 1 मई 2022 दिन रविवार को भगवान परशुराम चल समारोह, 2 मई को महिला मंडल के विभिन्न आयोजन, चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता, सोलह श्रृंगार, मटकी श्रृंगार, लड्डू गोपाल श्रृंगार, व्यंजन मेला प्रतियोगिता के बाद 3 मई को दोपहर से महिला मंडल पुरस्कार वितरण का आयोजन रखा गया है। कमेटी की बैठक में सभी कार्यक्रमों के प्रभारी बनाए गए। कार्यक्रम की पूर्ण संपूर्ण जानकारी महिला मंडल सचिव श्रीमती रश्मि पांडे ने दी। बैठक में अलका पल्ल्या, सुषमा पटेरिया, मनीषा मिश्रा, जया पटेरिया, पूर्णिमा जोशी, हर्षिता पांडे, प्रियांशी पांडे, दीक्षा पांडे, रक्षा पांडे, अनुप्रिया प्यासी, कुमकुम रिछारिया, अदिति दुबे, अर्या दुबे, दीपांशी पटेरिया, प्रियांशी पटेरिया, हर्षिता दुबे, मनीषा परोहा, शुभी पांडे, रागनी गोस्वामी की उपस्थिति रही। खबर हटाक के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। आज हम लोग ये जो बैठक हुई है वो सर्व ब्राह्मण समाज महिलाओं की बैठक हम लोगों ने परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके संदर्भ में चर्चा और विचार विमर्श के लिए रखी गई है। इसमें महिलाओं की और बाल वर्ग जो बच्चों का होता है 8 से 5 से 10 आयु वर्ग के बच्चे, मिडिल एज के बच्चे जो भी हैं और लड़कियों के हिसाब से हम लोगों ने प्रतियोगिताएँ रखी हैं उसी पर विचार विमर्श चल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, क्विज, धर्म से संबंधित, परशुराम जी से संबंधित जो भी प्रश्न और हो सकते हैं वो हम लोग रख रहे हैं। और महिलाओं के लिए बहुत सी 16 श्रृंगार की व्यवस्था मैंने प्रतियोगिता रखी गई है। लड्डू गोपाल को सजाना, थाली सजाना, मटकी सजाना, ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हम लोगों ने बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी निर्धारित की है। बस उसी के बारे में ये चर्चा चल रही थी। परशुराम जयंती के समारोह के अवसर पर हम लोगों ने प्रतियोगिताओं को 4 भागों में बांटा है। जैसे महिलाओं का अलग वर्ग है, किशोर वर्ग अलग है, शिशु वर्ग अलग है और बाल वर्ग अलग है। महिलाओं की प्रतियोगिता में महिलाओं के ही 16 श्रृंगार, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, 1 मिनट कार्यक्रम में मोनो एक्टिंग जैसे संबंधित प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। बाल वर्ग में चित्रकला और रंगोली, शिशु वर्ग में लगभग 10 वर्ष के बच्चे रहेंगे इसमें मूँगफली प्रतियोगिता 1 मिनट का कार्यक्रम है, फुग्गा फलाओ, फुग्गा पिचकाओ, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। किशोर वर्ग में थाली सज्जा प्रतियोगिता, आटे के दीपक, मटकी सज्जा, मोनो एक्टिंग, सलाद सज्जा, आभूषण, हेयर स्टाइल, चम्मच प्रतियोगिता, मेकअप, 16 श्रृंगार, लड्डू गोपाल श्रृंगार। किशोर वर्ग के लिए भी अलग से कुछ प्रतियोगिताएं रखी गई जिसमें 1 मिनट कार्यक्रम सबसे मुख्य रहे।